ब्रजवाला पत्नी स्वर्गीय समरपाल सिंह निवासी लाखड़ी फाजलपुर थाना मंझोला पेशे से वकील है। ब्रजवाला द्वारा अपने अधिवक्ता साथियों के साथ मिलकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के यहाँ एक शिकायती पत्र सौंपा है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि 23/12/2023 को सुबह जब शिकायतकर्ता कचहरी अपने ऑफिस जा रही थी तो लाइन पर स्थित फुवारा चौक पर सुनील कुमार लश्करी नाम के व्यक्ति द्वारा उनके साथ स्कूटी रोककर छेड़छाड़ की गई, जिसका विरोध महिला अधिवक्ता द्वारा किया गया। महिला अधिवक्ता की आवाज़ सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए, तभी पीछे से महिला अधिवक्ता के कुछ अधिवक्ता साथी भी आ गए और अपने साथी महिला अधिवक्ता को वहां से निकालने का प्रयास किया। इस दौरान अधिवक्ताओं की आरोपी के साथ मारपीट भी हुई। महिला अधिवक्ता ने तत्काल शिकायत थाना मंझोला को दी, लेकिन पुलिस द्वारा कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई। महिला अधिवक्ता के मुताबिक उन्होंने कहा कि आरोपी का कहना है कि अगर कोई भी कार्यवाही की गई तो घर को जाने वाली सड़कों पर कूड़ा डालकर उसे जाम कर देगा, जिस पर परेशान होकर महिला अधिवक्ता द्वारा अपने अधिवक्ता साथियों के साथ मिलकर एसएसपी को एक शिकायती पत्र सौंपा है, जिसमें मामले की उपयुक्त जांच कर कार्यवाही की मांग की है। मैंने एक शिकायत पत्र 23/12/2023 की घटना के विषय में दिया है, जहां पर एक व्यक्ति फवारा चौक लाइन पार पर मेरे साथ में गंदी गंदी हरकतें कर रहा था, मारपीट करने की कोशिश की, छेड़खानी की। उस संदर्भ में मैंने उसके खिलाफ यहाँ पर एक शिकायती प्रार्थना पत्र दिया है कि मेरे प्रार्थना पत्र पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है और वो व्यक्ति मेरे खिलाफ बराबर हर जगह जा जाकर मेरे खिलाफ ही अपनी संवेदना प्रकट कर रहा है, जबकि मैं महिला होने के बाद भी मैंने अभी तक कुछ नहीं किया। उसने मेरे रास्ते घेर रखे हैं सर। कौन है वो? उसका नाम सुनील कुमार लश्करी है और उसके एक साथी और है जिसका नाम प्रशांत है और उसके अन्य और साथी भी थे जिन्होंने मेरे साथ में मारपीट। कहाँ का मामला है? फवारा चौक लाइन पार। तो आपने इसकी शिकायत पुलिस में की थी पहले? मैंने इसकी शिकायत पुलिस में भी की थी और आज मैंने ये एक प्रार्थना पत्र एसएसपी साहब को भी दिया है, जिसके संदर्भ में मैं आगे कार्रवाई करना चाहती हूँ। मेरी भी रिपोर्ट दर्ज करी जाए, मेरी रिपोर्ट दर्ज की जाए। क्या चाहते हैं आप? मैं उसमें एफआईआर चाहती हूँ। ठीक। और उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की।